बुलेट ट्रिप है, क्या बात है। और इसको सही कराने के बाद ही तुम्हें सारी चीज़ें इसकी बताऊँगा। तो वही बहुत तीन लड़कियाँ वो भी बुलेट पे, ओए होए कुछ हो जाए जरा कंटेंट तो देख ले। नहीं नहीं यार थोड़ा देखे तो सही क्या माजरा है। सीधा लियो तो हो बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब तीन लड़कियाँ एक बुलेट और कभी भी ऐसा नज़ारा तो देखने वाला है, मतलब फुल ऑन कंटेंट फुल्ली कंटेंट। आज ये कभी वो पी रही हो गई कहना देखते ही मतलब यार भाई रिकॉर्ड हुआ। हाँ ये कतई जहर निकल गई सीधी बढ़िया अब ग्लैमर कम थोड़ी ना आवाज़ बनाई हुई गाड़ी है बस कंपनी ना भाई एक चीज में बहुत बढ़िया चीज पूरी कर दी जैसे 5 गियर से 5 गियर देखे ना बाइक में जो कमी थी ना वो पूरी कर दी। मैं यही चाहता था कि कंपनी से 5 गियर दे दे और कभी पूरी कर दे। वाह कभी कभी तो मैं सही बोलता हूँ यार छोड़ टूरिंग छोड़ सब कुछ भाई ग्लैमर ही ले ले। कसम से बोल रहा हूँ इस भाई से इतना प्यार है मेरे को। मैंने कभी कभी सेम यही मन करता कि दुनियादारी सारी बाइकें गई छोड़ भाई यही बाइक बेस्ट है कम्यूटर सेगमेंट एवरेज इंजन सब कुछ। और ग्लैमर का इंजन वैसे लोगों को बड़ा बना मैं दूंगा उसको बना ही दूंगा मैं उसको अपने तरीके से उसकी पावर टॉक्स बढ़ा दूंगा। क्योंकि अभी तक अगर 5 गियर के अंदर बाइक है तो हम 5 गियर वाली बाइक जैसे मैंने इसको 150 cc कर रखा है तो 150 cc के हिसाब से हम अपनी बाइक को बड़े ही प्यार से 4th गियर 150 cc मान लेता है लेकिन 5 गियर और 150 cc की बाइक फाड़ देती है बहुत बढ़िया बनाती है। इसलिए वो 5 गियर तो बहुत सही है इन बाइकों के लिए। अगर एक 150 सेगमेंट के लिए ना 5 गियर बहुत सही है तो अगर मैं इसमें वाला गियर डाल दूँ तो फिर और जब बुरी क्या है तो बेकार थोड़ी ना। अपना बेस्ट है अपने लिए मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैं यार वही सोचता हूँ टाइटल तो हटाएगा भाई इस गाड़ी का टाइटल तो जहर। टाइटल तो बहुत अच्छा आने वाला है इस रोड में। पता है मैं आता क्यों हूँ मैं इससे आता क्योंकि यहाँ पे ना कंटेंट बढ़िया मिला। इस रोड पर कंटेंट मस्त मिलता है। अब वो जो लड़की थी ना स्टार्टिंग में तो काफी फास्ट चला रही थी उसके बाद वो लड़की स्लो हो गई थी। उसे देखा ना कैमरा लगा वो स्लो हो गई लड़की वो अपने आप ही स्लो हो गई। और बाकी देखते हैं कहाँ से लिया है मेरे हमारे तेरे पापा के दोस्त अंकल है मतलब मेरे पापा के दोस्त यानी हमारे अंकल उनके पास वाला स्कूटर खुल गया अंकल जी खुलाइए बंद है और कुछ पता है कब खुलेगा 1 तारीख कॉलेज में माइग्रेशन देना है यार कैसे करोगे।
आपका क्या काम है? ओहो, मेल का? मेल वाला तो पूछता नहीं है कितने मेल कर दिए। मेल तो बस नाम का है इनका, मेल और मोबाइल नंबर। तो चलो भाई बहुत हो गई बेइज्जती, अब अपने चलने का टाइम कर दी भाई। मेल और मोबाइल, कॉलेज के मोबाइल और मेल, इनका तो कुछ भरोसा नहीं है, एक परसेंट का भरोसा नहीं है। यानी कॉलेज के अंदर मेल मोबाइल, पता नहीं क्यों देते साले। मेल का रिप्लाई करना नहीं, मेल हो भाई, मेल वर्ड सुनते ही हंसी, मेल कर दो भाई। रेड लाइट क्यों बंद कर रखी है यार? रियलिटी में बोलता हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रेड लाइट बंद करने से, औरों को पता नहीं। और भाई पता नहीं अब मेरे को, तो भाई रियलिटी में रूल तोड़ने नहीं, इकोनॉमिक चीज़ें बाइक चलाओ, सामने वाले का भरोसा नहीं है ना, इस पर रोकता है बंदा। पर अभी पता ही क्या है, अभी यहीं कहीं तो पुलिस वाले खड़े होंगे, फोटो क्लिक करके चलान कर गया लोग, रेड लाइट आपकी चल नहीं रही और आप चलान काट रहे हैं। ओ ओ भाई वाह, क्या डिजाइन है, कतई जहर। नैनो देखिए तो सही, क्या यार, इससे क्या मिसाल दुनिया। ऐसी रोड ना मेरी मम्मी या पापा बोलते भाई, पहले के टाइम पे ऐसी रोड हुआ करती थी। पूरी ऐसी खाली खाली रोड, एक दो बाइकें, हमारे के पास तो खैर जीप थी पापा के पास, एक दो बाइकें और भाई जिंदा है। मेरे पापा क्या बोले थे, जिसे तीन गेयर आते थे, अब तो खैर पता नहीं, देखना पड़ेगा। मेरे कहीं अगर दिल्ली दिल्ली वाले घर पर खड़ी हो पैसे, तो पापा बोल रहे पता नहीं तो क्या होगा, गल गई पल गई पता नहीं क्या डाटा होगा, कभी अगर मौका मिला डाटा ही हुआ ना भाई इसकी वीडियो। मुझे तो बस कॉलेज के मेल में हंसी आ गया भाई, आप मेल कर दो, सिर्फ मेल कर दो मेल भाई, इतनी हंसी आई ना कि बस क्या बोलूं मैं। चलो अब चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। वो तो अच्छा हो, मैं मतलब किसी से मिला बट दूर। बुलेट वाली लड़की, थैंक गॉड रिकॉर्ड हो गया, थैंक गॉड रिकॉर्ड तो हुआ। वैसे बाइक तो मेरी बहन भी चला लेती है, बट मैं देता नहीं, मुझे पता है ये बस दे दी ना तो बस मेरी बेचारी इसका भूत बना देनी, और मैं चाहता नहीं कि मेरी बाइक का भी भूत बनाए। पुलिस वाले पीछे, ये कैसे हो गया? ओहो हेल्प, वेरी गुड, होनी चाहिए बिना हेलमेट के, क्या बोल, बिना हेलमेट के क्या कर सकते।
होके क्या तो यार अब ये वीडियो को हम एंड करते हैं, बाकी देखते क्या मिलता है, एंड ही करते हैं, बाकी तो क्या कुछ मिलेगा क्योंकि मेरे घर वाला रास्ता आ गया और मज़ा आ गया। मतलब मन भर के तो खैर नहीं चलाई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो तो चलाते चलाते भी हो गया होगा 45। बाइक तो कितनी भी चलवा लो यार, कितनी भी, चलो खैर कोई बात नहीं, अभी वीडियो को हम क्लोज करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो, लेकिन हमारा दिमाग मत खराब करो, क्योंकि हमारा दिमाग हम खराब समझे। मेरा एक और चैनल है, लिंक आपको नहीं, लिंक नहीं, चैनल का नाम है मॉडिफाई बाइक RS, तो उसको भी जाके जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय, और अब रखने का आगे कैमरा रखने का टाइम।